नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। महंत नरेंद्र गिरी को बाघम्बरी मठ में दी गई भू समाधि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह बताई फांसी, पांच डॉक्टरों की टीम ने किया था पोस्टमार्टम। आज तूफानी दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, नोएडा में किया मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण, तो अब हापुड़ और अमरोहा में कई योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम। यूपी के महराजगंज में रफ्तार का कहर, साइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के चंदौली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई करने वाली गैंग का किया खुलासा, पुलिस ने छह लोगों को किया गिरफ्तार, तीन वाहनों से 398 पेटी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद। हमीरपुर के अरतरा गांव में मोबाइल विवाद को लेकर हिस्ट्री शीटर ने की फायरिंग, युवक की मौत से गांव में मचा कोहराम, मामले की जांच में जुटे पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद नेहरू हॉस्पिटल में पांच डॉक्टरों की टीम ने उनके शव का पोस्टमार्टम किया। इस बीच आज प्रयागराज में शहरी क्षेत्र के 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रहे। इधर महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा पानी की टंकी तिराहा, आलोपी मंदिर तिराहा होते होकर लेटे हुए हनुमान मंदिर पहुंची, जहां महंत नरेंद्र गिरी को बाघम्बरी मठ में भू समाधि दी गई। इधर अंतिम यात्रा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महंत नरेंद्र गिरी भी शामिल हुए। तो वहीं दूसरी तरफ महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह फांसी बताई गई है, ऐसे में विसरा सुरक्षित रख लिया गया है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजुल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी राजुल, देखिए आज शहरी क्षेत्र में 12वीं तक के सभी स्कूल भी बंद कर दिए गए और आज महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध का जो मामला है बढ़ता ही जा रहा है, आज उनको भू समाधि दी गई, क्या कुछ अपडेट? आयुषी जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये बहुत बड़ी घटना है पूरे देश के लिए जी। और वहीं दूसरी ओर अलग अलग गुत्थियां धीमे धीमे खुलती जा रही, सुलझती जा रही है। आपको बता दूं तो आज पूरे शहर के अंदर यही बात चल रही है कि इनके जितने 11 से 12 पन्ने के लेटर है उनके सिग्नेचर में कहीं गिरी की मात्रा उल्टी है तो कहीं सीधी है, कहीं महंत नरेंद्र गिरी लिखा है तो कहीं खाली नरेंद्र गिरी लिखा हुआ है। इस पर भी बहुत संदेह और लोगों के बीच में संशय पैदा हो रहा है उन लेटरों को लेकर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देर रात में 306 धारा में जांच टाउन के अंदर मुकदमा आनंद गिरी के खिलाफ किया गया और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आज 2 से लेकर शाम 5 बजे के बीच में उनकी कोर्ट में पेशी भी है। इसके अलावा बहुत ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी मौत पे, क्योंकि वो इस तरीके के व्यक्तित्व नहीं था उनका कि वो आत्महत्या कर ले। और बहुत ज्यादा मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से उनकी जो यात्रा थी वो शुरू हुई और सीधा पहुंची एसआरएन हॉस्पिटल में, जहां पर उनका जो है पंचनामा वगैरह किया गया। उसके बाद उनकी यात्रा सीधा संगम तट पे गई है, संगम तट के बाद अब सीधा समाधि स्थल पे पहुंच रही है जी। जहां पर उल्लेख है कि नींबू का पेड़ है उसके नीचे उन्हें समाधि देनी है, वह कार्य शुरू हो चुका है जी। जी देखिए, अगर उनको वहां पे समाधि दी जाएगी तो उससे पहले की कुछ प्रक्रियाएं भी हैं, वो क्या ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो की जाएंगी? जैसे कि बहुत मंत्रों का उच्चारण भी किया जा रहा है और बहुत ही अलग तरीके से उनको जो ये समाधि दी जा रही है, तो क्या कुछ अपडेट? देखिए इसमें पूरा मैं आपको बता दूं कि समाधि जो होती है वो बहुत अलग तरीके से दी जाती है।
इनके अपने खुद के पंच परमेश्वर टाइप के जितने भी गुरु जी हैं वो गुरु जी यहाँ पर आएंगे मंत्रोच्चारण के साथ साथ, यहाँ पर यज्ञ हवन सब चीजें होंगी। उसके बाद इसको अभी ये जो वीडियो एक आपके पास गया जिसमें कच्चा दिख रहा है, अभी इसको यहाँ से पूरा पक्का किया जाएगा। इसमें खाने का सामान, अन्न, दान, चंद्र और बहुत सी ऐसी चीजें हैं सोने चांदी की, वो चीजें इसमें रखी जाती है और सीधा बैठा कर जो है समाधि दी जाती है। जी शुक्रिया राजू तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज तूफानी दौरा। आपको बता दें सीएम योगी ने किया नोएडा में मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का भी उद्घाटन किया। सीएम योगी ने नोएडा में जनसभा को संबोधित किया। हापुड़ के धौलाना में भी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। अमरोहा में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित होने वाली संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरलाजे भी मौजूद रहेंगे। वहीं बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी चुनाव प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र प्रधान आज लखनऊ दौरे पर हैं। 2:45 में लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय आएंगे। उनके साथ प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह समेत तमाम नेता मौजूद रहेंगे। उसके बाद 4:10 में अनुराग ठाकुर भी आएंगे। राजधानी लखनऊ से एवंटीवी के लिए आयुष अवस्थी। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम आज किसान यात्रा लेकर रायबरेली पहुंचे, जहां वे मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों, नौजवानों, मजदूरों की समस्याओं, कुटीर उद्योगों की दुर्दशा और किसानों की समस्याओं के लिए यह किसान यात्रा निकाली गई है। वहीं नरेंद्र गिरी मामले में सपा नेता का नाम आने पर उन्होंने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम किसान नौजवानों की परेशानी बदहाली को लेकर ये किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर निकले हैं। हम इस प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई, इस प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध, इस प्रदेश में किसानों की फसलों की लूट, इस प्रदेश में कुटीर उद्योगों की दुर्दशा, इस प्रदेश के अंदर माताओं बहनों की असुरक्षा, इन सवालों को लेकर ये किसान पटेल नौजवान यात्रा हम निकाले। यूपी के बस्ती में महादेवा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक रवि सोनकर ने पाऊ स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की भी जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने लगभग 27 करोड़ की लागत से कुसौरा में 132 KVA के विद्युत उपकेंद्र के निर्माण का भी जिक्र किया। यूपी के कन्नौज में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। चुनाव से पहले आपको बता दें इंस्पेक्टर की तैनाती में बड़ा फेरबदल। आईजी मोहित अग्रवाल ने जिले के 10 इंस्पेक्टर्स के गैर जनपद में तबादले किए हैं। 3 वर्ष से ज्यादा कार्यकाल होने पर ये तबादले किए गए। सदर कोतवाल विकास राय को लगाया औरैया ठठिया इंस्पेक्टर, पूनम अवस्थी को भेजा फतेहगढ़ तिरवा। आपको बता दें गुड़सहायगंज और छिब्रामऊ कोतवाल भी गैर जनपद, कानपुर देहात से 3, कानपुर आउटर और इटावा में 2-2 इंस्पेक्टर भेजे गए। कन्नौज कानपुर जोन के 49 इंस्पेक्टर्स की तैनाती में ये पूरा फेरबदल हुआ। यूपी के महाराजगंज में रफ्तार का कहर, कार ने मारी साइकिल सवार मजदूर को टक्कर। आपको बता दें मजदूर को टक्कर मारने के बाद कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कार सवार 3 लोग समेत 1 मजदूर की मौत हुई। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है।
यूपी के चंदौली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने चंदौली के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई करने वाली गैंग का खुलासा किया है। स्वाच सर्विलांस और अलीनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 398 पेटी प्रतिबंधित कफ सिर्फ फेंसाडील बरामद की है। साथ ही ट्रक, एक कार और पिकअप भी जब्त की है। इस मामले में दो सरगना सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबंधित फेंसाडील सिरप को पूर्वोत्तर भारत में नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आरोपी बंगाल के रास्ते सिरप बांग्लादेश ले जाते थे, जहां से जाली नोट लाकर पूर्वांचल में नशे की दवा को सप्लाई किया जाता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है, जिससे बड़े रैकेट का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस को काफ़ी समय से यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि ड्रग तस्करों का एक गिरोह प्रतिबंधित दवाओं को उत्तर प्रदेश से ले जाकर बिहार के रास्ते बंगाल ले जा रहा है। इसी क्रम में हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना अलीनगर की पुलिस लगी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर चकिया चौराहे पर आज एक अंतर प्रांतीय गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली। इस गिरोह में 6 लोग हैं, इनमें से 2 बनारस के, 1 आजमगढ़ का, 1 प्रतापगढ़, 1 चंदौली और 1 पश्चिम बंगाल का है। यूपी के हमीरपुर में एक सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है। यहाँ एक हिस्ट्री शीटर ने छीना गया मोबाइल मांगने पर युवक को गोली मार दी। हत्या की वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। घटना मौदहा थाना क्षेत्र के अरतरा गांव की है, जहां हिस्ट्री शीटर मनोज ने राधेश्याम का मोबाइल 2 दिन पहले छीन लिया था, जिसको लेकर राधेश्याम के चाचा श्रीराम का हिस्ट्री शीटर मनोज से आमना सामना हो गया, जिसके चलते आक्रोशित मनोज ने श्रीराम को गोली मार दी। इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। आज राधेश्याम के चाचा श्रीराम को मनोज द्वारा गोली मार दी गई, उनकी मृत्यु हो गई है और इस संबंध में अविलंब कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाएगी और अभियोग पंजीकृत करके दोषी की शीघ्र गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की। चलिए आपको सीधे हापुड़ की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिलान्यास कर रहे हैं कई योजनाओं का। किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं और कुछ लोग हैं बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, हमें सतर्क रहना होगा। ये तालिबान समर्थक जो लोग इस प्रकार के गलत कृत्यों का समर्थन करते हुए घुसपैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे सतर्क रहिए। मैं आज के दिन पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, 2014 के बाद देश के अंदर राजनीतिक एजेंडे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदला है। आज प्रदेश की सरकार पिछले 4.5 वर्ष के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए जिन भी कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ी है, सर्वत्र उसकी प्रशंसा हुई है। उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है, जिनमें उत्तर प्रदेश का कहीं कोई पुरसा हल नहीं होता था। योजना लागू ही नहीं की जाती थी। प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में गरीब परिवारों के लिए शौचालय बनाने का कार्यक्रम हो, नौजवानों के नौकरी और रोजगार के मामले हो, और जब सुरक्षा का वातावरण नहीं था तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर तब निवेश भी नहीं आता था। आज तो हमने 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर कराने में सफलता प्राप्त की। ये निवेश केवल निवेश नहीं, ये रोजगार भी है, विकास भी इसके साथ आता है, और रोजगार और विकास के साथ इसको जोड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रशादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, साथ ही प्रदेश के सभी वर्गों के लिए विकास करेंगे। इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने के अलावा विपक्षी पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है। डॉक्टर अयूब ने कहा कि भाजपा विरोधी दलों के एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा सरकार को घोटाले की सरकार बताया। एक सभ्य आदमी का है,
के नाम पर 10% सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, 6% 8% वाले कर सकते हैं, तो 22.75% वोट रखने वाले इस प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के जरिया विकल्प क्यों नहीं बन सकते। आज हम लोगों का ये गठबंधन उन तमाम पार्टियों के लिए एक चैलेंज होगा जिन्होंने अब तक जनविरोधी काम के अलावा कोई काम नहीं किया। यूपी के संभल में मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर प्राइवेट बस और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बस चालक, ट्रक चालक और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर बनियाठेर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। यूपी के जालौन में नहीं थम रहा गौवंशों पर अत्याचार। गौहन थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने उतारा गौवंशों को मौत के घाट। पुलिस प्रशासन ने मृत गौवंशों को दफनाया। योगी सरकार के सख्त निर्देश के बाद भी गौवंशों की दुर्दशा हो रही है। धारदार हथियारों से गौवंशों पर हमला किया जा रहा है। आधा दर्जन से अधिक गौवंश भी घायल हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से लोगों में आक्रोश है। यूपी में भले विधानसभा चुनाव से पहले विकास कार्यों के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हो, लेकिन बस्ती जिले के रिधौरा गांव में विकास के नाम पर किए गए कार्यों की असली तस्वीर जग जाहिर है। दरअसल यहां मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट गड्ढा मुक्त अभियान के जमकर पोल खुल रही है, क्योंकि रिधौरा ग्राम पंचायत की सड़क अब तालाब में तब्दील हो गई है। वहीं जर्जर सड़क पर हादसों का अंदेशा बढ़ गया है, साथ ही सड़कों पर गंदा पानी जमा होने से बीमारियों की खतरा भी बढ़ता ही जा रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बदमाशों का आतंक। तहसील में तैनात एक होमगार्ड की बेटी को गांव के दबंगों ने घर से अगवा कर लिया। 10 दिन से गायब युवती का पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई। तहरीर देने के 6 दिन बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पल्ला झाड़ा। बेटी की तलाश में दर दर भटकने को पिता मजबूर है। दबंग पीड़ित परिवार को लगातार धमकी दे रहा निघासन कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। यूपी के बस्ती जिले में दबंगों का आतंक। दुबौलिया ब्लॉक के देवखर गांव में बंजर भूमि पर अवैध कब्जा किया। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को समस्या से अवगत कराया, शिकायत पत्र सौंप कर न्याय की गुहार लगाई। यूपी के चंदौली में अपर जनपद सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने पति की हत्या का प्रयास करने वाली पत्नी को दोषी बताते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पति को 5,000 रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। ऐसे में जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर अदालत ने आरोपी पति को 6 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है। आपको बता दें कि साल 2015 में आरोपी ने उसके पति पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें चिल्हिया थाना क्षेत्र के गोहनिया चौराहे के पास एक पिकअप और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 45 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस की जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान कटिया गांव के निवासी के तौर पर हुई है।
यूपी के जौनपुर में मनरेगा योजना बनी लूट का साधन। बक्सा ब्लॉक की मितावा ग्राम पंचायत बनी लूट का अड्डा। तालाब की खुदाई के नाम पर मनरेगा को लाखों की चपत लगी। जुलाई में लबालब तालाब भरा है। तालाब की खुदाई के नाम पर लगातार भुगतान। 68 मजदूर आज भी कागजों में काम कर रहे हैं। प्रशासन की अनदेखी से आपको बता दें, ये सरकारी खजाना लूटा जा रहा है। एक तरफ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला अत्याचार पर नकेल कसने के लिए भले ही मिशन शक्ति मिशन का आगाज किया है, वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में महिला सुरक्षा के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। दरअसल यहां एक बदमाश की हरकतों से तंग आकर छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया। गौरतलब है कि छात्रा इस बदमाश के आतंक से इतनी भयभीत है कि उसने घर से निकलना तक बंद कर दिया। ऐसे में पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।